ओम शांति। ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3641। नाइट क्लास डेटेड 12/11/1968। क्लैरिफाइड ऑन 14/6/2021। बात चल रही थी रात की क्लास की 12/11/1968 में याद की यात्रा का सबक सबको मिलता है। In the night class of the 12/11/1968, in the end of the middle part of the second page, we were discussing that everyone learns the lesson of the journey of remembrance. जैसे तुमको सबक मिलता है, वैसे इनको सबको सबक Just as you learn a lesson, this one and everyone learns a lesson. माया तूफान में ले जाती है और जास्ती स्मृति में ले जाती है, विस्मृति में ले जाती। माया पुट्स यू इन स्टॉर्म्स एंड मेक्स यू वेरी फॉरगेटफुल। पता नहीं क्या क्या वो ख्याल आते रहेंगे। यू डोंट नो व्हाट थॉट्स विल कीप कमिंग टू द माइंड। कभी भी जीवन में नहीं आते थे और स्वप्न भी बहुत। सच थॉट्स नेवर केम टू योर माइंड इन योर एंटायर लाइफ। यू विल ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू। और बड़े कड़े कड़े स्वप्न। दैट टू वेरी विशियस ड्रीम्स। स्वप्न बताते थे ना बाबा ने। द ड्रीम्स विच बाबा हैड मेंशन्ड हैडन्ट ही। ब्रह्मा बाबा को स्वप्न बहुत आते थे। ब्रह्मा बाबा यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। एक दिन बंडरपुर स्वप्न बताया था ना बाबा ने। वन डे बाबा हैड नरेटेड अ वंडरफुल ड्रीम हैडन्ट ही। का कौन सा स्वप्न। समवन आस्क्ड विच ड्रीम। भाई ये तुमको संकल्प आया। अरे इनसे तो हमारे पास बहुत होते हैं। देन यू हैड अ थॉट अरे आई हैव मोर देन देम। मैं तो इन सब में रुस्तम हूँ ना। बिकॉज आई एम ब्रेव अमंग ऑल ऑफ देम एम आई नॉट। तुम फिकर क्यों करते हो। सो व्हाई डू यू वरी। इस बात का कोई ख्याल नहीं करो। डोंट थिंक अबाउट दिस। वो जो माया का धर्म है। द ड्यूटी ऑफ माया। तो मुझे भी तो वही ज्ञान है ना। सो आई टू हैव द सेम नॉलेज डोंट आई। ज्ञान है ओहो माया बड़ी प्रबल है। आई हैव द नॉलेज ओहो माया इज वेरी पावरफुल। मेरे बच्चों को जो बेचारे कच्चे हैं उन बच्चों को ऐसे ऐसे स्वप्न आ गए। तो कभी यात्रा में परेशान होकर वो सेंटरी छोड़ देंगे। माय पुअर चिल्ड्रन हु आर वीक हैव सच ड्रीम्स that they will feel troubled on the journey of remembrance and leave the center itself. बोलेंगे पता नहीं यहाँ क्या बात क्या होता है। They will say, don't know what happens here.
ये कोई भूत है कि प्रेत है कि यहाँ क्या होते हैं ऐसे ऐसे? Is it some ghost or spirit or what happens here? 12 नवंबर 1968 रात की क्लास का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 12 नवंबर 1968। ये बाबा को तो सब अनुभव होता है। दिस बाबा एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? तो बाबा कहते हैं कि डरो मत। सो बाबा सेज डोंट बी अफ्रेड। ये माया के तूफान तो बहुत हैं। देर आर सर्टनली मेनी स्टॉर्म्स ऑफ माया। बाबा समझाते हैं ना बच्चों को। सो बाबा एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन डजंट ही? बच्चे ये जो तुम्हारी बीमारी है ना ये उथल पड़ेगी। चिल्ड्रन दिस डिजीज ऑफ योर्स विल एग्रेवेट। उथल पड़ेगी तो बहुत याद आएंगे। एंड व्हेन इट एग्रेवेट्स You will remember Baba a lot. तू कभी संन्यास वाले होंगे, उन्होंने घर बार छोड़ा है, उनको फिर घर बार याद आएगा। The sannyasis who have left their house and family will remember their house and family. बाल बच्चे बीवी सब जोर से याद आए। They will remember their children, wife and everyone a lot. Then they will wish, I should go back home immediately. Brother, I should console them, do this and that. तो ये तो माया की तूफान सबको होते हैं। सो एवरीवन कीप्स फेसिंग द स्टॉर्म्स ऑफ माया। और यहाँ भी होते हैं, बाहर वालों को भी होते हैं। दो स्टेइंग हियर फेस देम एज वेल एज दो स्टेइंग आउट फेस देम। बाबा के साथ आकर के मिलते हैं ना। They come and meet Baba, don't they? तो बताते। So they tell him. क्या समझते हो कि बाबा? अरे बात मत पूछो। What do you think that Baba? अरे don't even ask about it. माया तो एकदम विस्मृति में ला देती है। माया मेक्स देम कंप्लीटली फॉरगेटफुल। ऐसा विस्मृति में लाती है कि एक एक रोग तो हम याद भी नहीं कर सकते। शी मेक्स देम सो फॉरगेटफुल दैट समटाइम्स दे कांट इवन रिमेम्बर बाबा द होल डे। पता नहीं क्या होता है बाबा। दे से बाबा वी डोंट नो वॉट हैपन्स टू अस। हम तो घबरा जाते। वी बिकम अफ्रेड। क्या है? वॉट इज इट? कई तो ऐसे बहुत है, ऐसे यहाँ से डर करके छोड़ भी देते। सो देर आर मेनी ऑफ सच वंस who out of fear also leave coming here. हराए कर जाते हैं ना बच्ची। Daughter, they lose, don't they? ऐसे हार आने वाले ढेर हैं। पढ़ाई पढ़ना ही छोड़ देते। There are many of such ones who lose, who just leave studying. बात है
सबों को संग कहते हैं, समझाते हैं। Now there is the father. He tells, explains to everyone. कि भाई डरो मत। Brother, don't become afraid. बीमारी ये नाम रूप में फंसने की बीमारी है। This is the disease of becoming entangled in the name and form. स्वप्न आदि में आती है, हराने के नाम रूप में फंसने की। The disease of becoming entangled in the name and form of some person affects you in dreams, etc. अरे ये बड़े जोर से आएगी। अरे It will affect you in full force. घबराना नहीं। You shouldn't be afraid. महावीर मुआफिक है, हनुमान के मुआफिक चल रहे। You have to stay constant like महावीर, like हनुमान। वो है ना रामायण में। It is mentioned in the Ramayana, isn't it? ऐसे वो खोरा बोला कि हमको कोई हिला के देखे। That khora said, let someone try and budge me. Khora is a Sindhi word. अभी वो रामायण की बात है तो फालतू है ना बच्चे। Well, those topics of the Ramayana are useless, aren't they children? कोई रावण ने पांव पकड़ के हिलाने के लिए आया। That Ravan came to hold his leg and move it away. तो बाप बैठ करके समझाते हैं। So the father sits and explains. ये माया है जो तुम्हारा ये पैर उखेड़ती है। तुम यहाँ से भाग जाओ। This is Maya who uproots your leg, saying, run away from here. हराने के लिए। She does that to defeat you. परंतु कोई तो घबरा जाते। But some become afraid. और कोई तो सच सच हराए भी देते हैं। छोड़ दे। And some even lose to her in reality. They stop following the knowledge. And some lose to such an extent that they even leave the father. अभी तो औरों को भी समझा सके ना अच्छी तरह से। When Baba himself is experienced, only then will he be able to explain to the others nicely, won't he? ये माया ऐसी है जो रुस्तम के साथ हो और ही रुस्तम होके लड़े। This Maya is such that she will fight with a brave one, becoming braver than him. ला है कायदे है। दिस इज द लॉ। मल्ल युद्ध वाले होंगे ना बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। देर विल बी द फर्स्ट क्लास, द सेकेंड क्लास एंड द थर्ड क्लास रेसलर्स, वोंट देयर चिल्ड्रन। ये तीन प्रकार की मल्ल युद्ध भी होती है, कुश्ती भी होती है, बॉक्सिंग भी होती है। There are three kinds of wrestling and boxing as well. मैं सदैव 1, 2, 3 नंबर होते। There are always 1, 2, 3 numbers in it. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सब बात में होते। There are first class, second class and third class in everything. जो कच्चे हैं
को तो माया इतना तूफान नहीं लाती। सो दोज हु आर वीक अमंग देम माया डजंट ब्रिंग सो मेनी स्टॉर्म्स फॉर देम। सेकंड नंबर में जाओ, जास्ती तूफान। अच्छा, दोज ऑफ द सेकंड नंबर फेस मोर स्टॉर्म्स। और फिर फर्स्ट नंबर वाले का तो उनको तो और ही जास्ती, सबसे जास्ती। एंड दोज ऑफ द फर्स्ट नंबर फेस इवन मोर स्टॉर्म्स, द मैक्सिमम स्टॉर्म्स। फिर वो थोड़े ही होगा ऐसे कि बाबा हमको बचाओ। देन दिस वोंट हैपन दैट दे से बाबा सेव अस। बाबा हम बाबा बाबा कहेगा नहीं, ये तो तुमको बचना है। बाबा वी विल से बाबा बाबा, नो यू हैव टू सेव योर सेल्फ। वो अपनी हिम्मत करनी है। यू हैव टू मस्टर करेज ऑन योर ओन। युद्ध होता है तो युद्ध के समय जब युद्ध के मैदान में है तो फिर उस समय कोई आकर के मदद करते हैं क्या? इट इज बिकॉज व्हेन द वॉर टेक्स प्लेस व्हेन यू आर ऑन द बैटल फील्ड डज एनीवन कम एंड हेल्प यू? ना। नो। इसलिए को भी युद्ध का मैदान कहा जाता है बच्ची। डॉटर दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैटल फील्ड। माया का युद्ध है। दिस इज द बैटल विथ माया। माया के तूफान वगैरह है। दीज आर द स्टॉर्म्स एटसेट्रा ऑफ माया। स्वप्न आदि है ये ढेर आते हैं। यू विल कंटिन्यू टू हैव मेनी ड्रीम्स एटसेट्रा। तो बच्चे जब बच्चे और बच्चियां जब वो कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे ना और ट्रांसफर हो जाएंगे पीछे ही स्वप्न आदि ढेर के ढेर स्वप्न संकल्प वगैरह नहीं। सो चिल्ड्रन व्हेन द सन्स एंड डॉटर्स रीच द कर्मातीत स्टेज एंड आर ट्रांसफर्ड यू वोंट हैव दीज ड्रीम्स मेनी थॉट्स एटसेट्रा लेटर। कुछ भी नहीं आ रही। यू वोंट हैव एनीथिंग। कि जो भी स्वप्न संकल्प वगैरह आते हैं देखो जबकि अपन को एकदम बस बिंदु आत्मा में टिक जाओ। लुक नो मैटर व्हाट ड्रीम्स और थॉट्स एटसेट्रा यू हैव यू शुड जस्ट बिकम स्टेबल इन द स्टेज ऑफ बीइंग अ पॉइंट अ सोल। अरे हम तो आत्मा ही थे ना। यू शुड थिंक अरे वी वर जस्ट सोल्स वरंट वी। ज्ञान गर्भ में आए। वी हैव कम इन द वूम ऑफ नॉलेज हियर। तो अभी तो जाना है ना है कि मुझे वापस जाना है। सो I have to go back now, won't I? आप वो लोग नहीं जा रहे हैं। I don't have to go to the soul world. तो ऐसे तुम समझोगे तो तुम जैसे कि रास्ते पर हो। If you think this way, it is as if you are on the right path. दे समझेंगे देह की संबंधियों को याद करेंगे तो जैसे रास्ते से भटेंगे। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडी इफ यू रिमेम्बर द रिलेटिव ऑफ द बॉडी इट इज एज इफ यू हैव लॉस्ट द पाथ। जब ये आत्मा की स्मृति तुम्हारी पक्की हो
कि हम आत्मिक स्थिति के रास्ते पर हैं, तो फिर ये शरीर तो है ही नहीं ना। When this consciousness of your soul becomes firm, that you are on the path of the soul conscious stage, it is as if this body isn't there at all, is it? पीछे कुछ भी बीमारी होती है, वो सभी कुछ भी नहीं होता है। अपन को आत्मा समझना। So, by considering yourself as a soul, there won't be any diseases etc. later. परंतु निरंतर सदाकाल आत्मिक स्थिति पक्की हो गई ना। But the soul conscious state should become firm constantly, forever, shouldn't it? निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करना ये तो मेहनत है। To practice to stay in the soul conscious stage continuously is a hard work. क्यों? Why? It is because Maya continues to create a barrier. ये माया से युद्ध है, युद्ध का मैदान जो कहा जाता है ना बच्ची। This is the battle with Maya, which is called the battlefield. Isn't it, daughter? ये सभी इसका है। माया का बखेड़ा। These are all the obstacles of Maya. और कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। There isn't any other fight and quarrel. अब तुम बच्चों का कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं कि भाई कोई हंस हिंसा का युद्ध होता हो। Now you children don't have any such fight and quarrel that you would have any violent war. बाबा ने कल भी समझाया था ना। बाबा हैड एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे एज वेल, हैडंट ही? कि न तो तुम्हारा रावण के साथ कोई हथियारों का युद्ध है। यू नीदर हैव एनी वॉर विथ रावण विथ वेपन्स। और न कोई देवताओं का युद्ध हुआ था। देवासुर संग्राम दिखाई दिया है। महाभारत युद्ध दिखाई दिया है। Nor did the deities have any war that they have shown the Devasur Sangram, the war between the deities and the demons. They have shown the Mahabharat war. तो युद्ध की कोई बात? So there isn't anything about a war. हाँ, उसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। Yes, number wise according to the पुरुषार्थ। बाबा तो कहेंगे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया हो। Now बाबा विल गिव रिमेम्ब्रेंस लव एंड गुड नाइट टू द चिल्ड्रन नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, माया से युद्ध करने में हिम्मतवान रहती, ऐसे नंबरवार मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। The extent to which someone makes purusharth, those who stay courageous in fighting against Maya, the spiritual father's namaste to such number wise, very sweet, long lost and now found spiritual children. 10 baje. It is 10 o'clock now. Om Shanti. Om Shanti.